Good morning, all of you. Today we are here to discuss the topic different integration, special cases, property 4. Firstly, you must be aware what is property 4. Okay, पहले हम लोग देखेंगे property 4 क्या है. अब यहाँ property 4 की बात करेंगे. ये हो गया 0 to a function of x dx. इसे क्या कहते हैं? 0 to a x को ट्रांसफर करना होता है a minus x से. ये हो जाएगा a minus x dx. कैसे चेक करें इसे? इसे चेक करेंगे. सपोज करो ये ग्राफ बना. सपोज करो ये ग्राफ है आपका y को show fx का. तो 0 to a में ये एरिया हो गया आपके पास. अगेन इसी बात करोगे यहां से a minus x इसे 0 करोगे तो इट विल शिफ्ट टू a. a पे शिफ्ट हो जाएगा और x नेगेटिव है. कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है. इट विल कम लेफ्ट वार्ड. इसका मूवमेंट आपका डाउनवर्ड आर से ये ट्रांसफर हो गया आपका. इस तरह से एरिया कौन सा हुआ? ये जीरो है. ये x इक्वल टू a है. ये एरिया हो गया. अब जरा देखिए दोनों एरिया सेम है कि नहीं. सो बोथ आर सेम. अगेन इसका पार्ट वन इसी का लिखते हैं पार्ट टू. पार्ट टू में क्या लिखेंगे? a टू b एफ एक्स डी एक्स. नाउ इट टर्न्स टू a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स. ये आंसर हो गया. अब जानते हो मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दैट कि एवरी ईयर एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन आस्क इन IIT जी मेंस और एडवांस इन बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला. प्रॉपर्टी फोर से हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर साल प्रॉपर्टी फोर से पूछे जाते हैं मेंस में भी एज वेल एज IIT एडवांस में भी. सो जस्ट यू आर टूडे यू आर गेटिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन फॉर योर जी मेंस एग्जामिनेशन और IIT एडवांस एग्जामिनेशन. हियर आई विल जस्ट गिव यू ए ट्रिक टू सोल्व द क्वेश्चन हार्डली इन 5 to 6 सेकेंड. सो गेट द लॉजिक एंड वॉट इज द फन जस्ट गेट हियर. हाउ कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड हाउ कैन यू गेट द एंसर. नाउ दिस इज द एंसर. क्वेश्चन फर्स्ट. सपोज क्वेश्चन फर्स्ट इट इज एफ एक्स हियर. हियर एफ एक्स. हियर फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए एंड गेट द लॉजिक. हाउ कैन यू फाइंड द एंसर? वेरी वेरी इजिली. लिसन, इफ अगर इसको चेंज करोगे, एक्स को चेंज करोगे, एक्स को चेंज करोगे, ए माइनस एक्स से चेंज करोगे. क्यों? 0 टू ए है. दिस विल टर्न टू दिस पार्ट एंड दिस विल टर्न टू दिस पार्ट एंड दिस विल अगेन टर्न टू ए माइनस एक्स. हाँ या ना? अगर इसे ऐड करोगे तो जो आंसर आपके पास आएगा हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट. अपर एंड लोअर लिमिट ये आपका आंसर हो जाएगा. आंसर यहां क्या हो गया? इसका आंसर हो गया e/2. कैसे? हाउ विल इट कम? जब देखें फिर से इसे, इसे फिर से देखेंगे. इसे हमने i मान लिया तो i हो गया अपने पास फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. ये फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स. अगेन फंक्शन ऑफ x 0 टू a. अब ये हो गया सेकेंड पार्ट. ये अपने पास था फर्स्ट पार्ट. दोनों ऐड करोगे तो ये हो गया 2i. 2i हो गया 0 टू a. देखो तो आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. ऐड करेंगे तो सेम रहेगा. न्यूमरेटर भी सेम हो गया. फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स. डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल आउट. ये बचेगा dx. फाइनली बनेगा a. सो i इज व्हाट? I is 1/2 of a. ये आंसर हो. सो अब यहां से एक लॉजिक सुनते हैं और फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन अप्लाई करेंगे. देखते क्या है. इफ न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर. इफ न्यूमरेटर टर्न्स और अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर आफ्टर एडिशन व्हेन यूजिंग फॉर्मूला प्रॉपर्टी 4, देन द रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट. मैंने कहा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपीयर हो जाए के टर्म, डिनोमिनेटर के टर्म में आ जाए, कब? प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद, ऐड करने के बाद. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट. अब मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं, 3-4 एक साथ देखेंगे. ये तो थ्योरी था. अब यहां क्वेश्चन 1 देखेंगे. क्वेश्चन 1 में लिखता हूं मैं यहां पे साइन एक्स. यहां लिखा साइन एक्स.
यहाँ लिखा कॉस एक्स, यहाँ लिखा डी एक्स, ये हो गया 0 to π/2। ओके, अब 0 to π/2 है तो जब चेक करोगे साइन को π/2 में चेंज करोगे तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, और ये भी कॉस में आ गया। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज हाफ ऑफ π/2। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया π/4। राइट, अब आपकी मर्जी की नेचर ये नहीं रहेगा तो अगर रूट एक्स होगा तो क्या करेंगे? फिर रूट एक्स लगा दो आप, ये आपका रूट एक्स लग गया, आंसर इज स्टिल सेम, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। और यही क्वेश्चन आपका IIT 2013 में आया था, यही क्वेश्चन आपके पास IIT में 2013 में आया था। 0 to, यहां से क्वेश्चन था π/6 to π/3 dx अपॉन 1+√tan x, ये क्वेश्चन है। अब जब देखो तो ये क्या सिंगल क्वेश्चन है, नहीं रूट टेन एक्स को लिखेंगे आप √sin x / √cos x, इट विल टर्न अप जस्ट लाइक दिस। इसे ठीक करें अपन ठीक करेंगे तो यहाँ लिखा आपने π/6, यहाँ लिखा π/3, दिस वन यहाँ क्या हो गया साइन बाय कॉस करोगे तो √cos x, √sin x, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया √cos x एंड dx। अब इसका आंसर क्या हो चे? अब इसका आंसर चेक करोगे, इस दोनों का सम क्या है, ये है π/2। तो π/2 से चेंज करेंगे तो कॉस वाला साइन में, साइन वाला कॉस में, और ये भी साइन में। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। तो π/3 में से π/6 जाएगा, π/3 - π/6 कितना होता है, π/6 हो गया, यहाँ आपके पास हो गया π/6। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आप क्या करोगे, यहां रहेगा आपके पास क्या 0 to π dx / 1+e cos x। अब ये क्वेश्चन रहेगा तो प्रॉपर्टी में चेंज करें अपन, देखते हैं प्रॉपर्टी में चेंज कैसे होगा। इसे मान लिया है ये हो गया आपका 0 to π, ये हो गया e का पावर कितना cos π - x - cos x, ये आपके पास आ गया dx। अब इसे ठीक करेंगे ये आपके पास आ गया e cos x, डिनोमिनेटर में e cos x + 1 dx 0 to π। अब जब देखो तो स्टिल दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, अब इस दोनों को ऐड कर दो, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया dx अगेन 0 to π, सो यहाँ हो गया बस पाई, सो आई इज व्हाट, आई इज π/2। तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, ये जब टर्न हो जाता है इस फॉर्म में इसका लिखेंगे ½ into π, ये हो गया प्लस π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, आई अपने पास हो गया, यहां लिखा हमने क्या e cos x, e - cos x, ओके e cos x एंड dx अगेन 0 to π। अब बताइए क्या करेंगे, जब पाई से चेंज करोगे ये वाला आपके पास यहां टर्न हो गया cos x - cos x में, और यहाँ -cos x में आ गया। तो हमने कहा था इफ न्यूमरेटर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, ओके आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला प्रॉपर्टी 4 व्हेन एडिंग द बोथ। तो क्या करते हैं, आंसर इज व्हाट, आंसर इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, आंसर हो गया π/2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या करने का है, अब यहां लिखेंगे क्वेश्चन में 5 में x sin x² cos x² dx 0 to √π/2। अब क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहां पे लगा दिया √π/2, क्यों किया हमने, एंगल में स्क्वायर करेंगे, यहां हमारे पास क्या चाहिए था, ये चाहिए था, एंगल में स्क्वायर करोगे यहां आपका रूट आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा लिमिट में। अब इसको पहले ठीक करना होगा, पहले इसको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करने का है, तो पहला टर्म आपका है मोटिवे आपका वहाँ पे एलिमिनेट करने का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसे x स्क्वायर को आपने मान लिया z, तो ये हो गया 2x dx, ये अपने पास आ गया dz। अब अपने पास क्या हो गया, ये इस x dx का वैल्यू यहाँ से
ये हो गया dz, यहाँ लिखोगे sin z dz, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ पे अपने पास आ गया sin z, ये cos z, इसकी बात करेंगे, लिमिट 0 है तो यहाँ 0 रहेगा, और रूट लगाएंगे, रूट पावर 2 करेंगे तो यहाँ हो गया प्लस पावर 2। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 में आ गया, सेट हो गया कि नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, हाफ पहले से था, ये हाफ पहले से था, इसके लिए होता है हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, ये हो गया आपका पावर 2, सो आंसर इज फाइनली पाई बाई 8, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 6 नंबर, यहां मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगेन 0 to π/2, आपकी मर्जी है, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे पावर 3, पावर 3 ऐसा लिखेंगे जहाँ ए और बी का सम पावर 2 में चेंज हो जाए। अब देखो तो बच्चे क्या हुआ आंसर, यहाँ इसकी बात करोगे पावर 2 में चेंज करो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और यहाँ पे साइन कॉस में आ गया, तो अगेन आंसर इज व्हाट, हाफ ऑफ पावर 2, आंसर हो गया पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अब यहां मैं लिखूंगा क्या, 7 की बात करेंगे, 6 हो गया, अब मैं यहां लिखूंगा रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, ओके, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स एंड डी एक्स, यहां की बात करूंगा मैं, यहां मैं लिखना चाहता हूं पाई बाई 8, तो यहां क्या चाहिए मुझे, पावर 2 में से पावर 8 को सब्ट्रैक्ट करें आप, तो क्या हो गया, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, तो ये अपने पास आ गया 3 पाई बाई 8। अब इसे सम करेंगे 3 पावर 8 प्लस पावर 8 कितना होता है, देखिए तो 4 पावर 8 इट इज पावर 2 नाउ, ये इस दोनों का सम, इस दोनों का सम आपके पास क्या है पावर 2 है, तो इसको क्या प्रॉपर्टी 4 में चेंज करोगे, पावर 2 से चेंज करोगे साइन कॉस में, कॉस साइन में, और ये भी कॉस में, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, ये हो गया आपका 3 पावर 8 और माइनस पाई बाई 2, ये आंसर हो गया। अगर इसे और ठीक करना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ, या 3 पावर 8 है तो यहाँ आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास कितना 4 पाई माइनस में, ये हो गया माइनस में पाई बाई 8 ना, इट इज पाई बाई 8, सॉरी ये हो गया पाई बाई 8, ये क्या हो गया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 8, यहाँ आपके पास आ गया 2 पाई बाई 8, ये यहाँ से 2 टू कैंसिल, आंसर इज व्हाट, आंसर इज पाई बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ लिखा आपके पास 4, ये लिखा आपके पास एक्स डी एक्स, यहाँ लिखा रूट एक्स, यहाँ लिखा 6 माइनस एक्स दिस वन, अब जब चेंज करो चेक करो आप, यहाँ 6 माइनस 6 से बचे, अब देखो तो यहाँ 2 प्लस 4 कितना होता है, ये हो गया 6, तो इसको चेंज करेंगे x को, x को चेंज करना है 6 माइनस 6 से, ये यहाँ चेंज हो गया और यहाँ चेंज आ गया, ये भी चेंज हो गया, सो आंसर व्हाट, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, 4 माइनस 2 2 हो गया, सो फाइनल आंसर इज 1, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन देख क्या रहे थे अभी तक प्रॉपर्टी 4, कोटा में इसे प्रॉपर्टी 4 का नाम बोला जाता है, किंग्स रूल, बंसल साहब की देन है किंग रूल, तो उन्होंने एक नया नाम दिया प्रॉपर्टी 4 के लिए किंग रूल, तो अब देखते हैं किंग रूल में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4 बोलो या इसे किंग रूल बोल सकते हैं आप, इसे बोलते हैं किंग्स या किंग रूल, तो है क्या, क्या कर रहा है, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन जैसे कर रहे थे, इस क्वेश्चन 9 में क्या करेंगे, एक्स को पहले एलिमिनेट करना, एक्स कैसे एलिमिनेट होगा, या एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर है, या लिखो एक्स स्क्वायर को मान लोगे जेड, ये होगा अपने पास 2x dx, फिर हो गया dz, गुड, अब अपने पास आ गया, ये देखो क्या, यहाँ पे हो गया x dx, ये हो गया आपका 1/2 ऑफ, ये लिखिए साइन जेड dz अपॉन साइन जेड प्लस साइन ln 6 माइनस जेड, ये कितना हो गया ln 2 ln 3, देखो जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी बनाया था, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कब आया था IIT 2011 में, अब क्या आप तो आपको डायरेक्ट दिख गया,
अब यहाँ से एलेन टू अब प्लस एलेन थ्री कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। एलेन टू प्लस एलेन थ्री कितना हो गया, लॉग सिक्स हो गया। तो लॉग सिक्स हो गया, अब इसे चेंज करोगे लॉग सिक्स से तो जेड को ट्रांसफर कर दो आप, कहाँ से कितना से ट्रांसफर करना है, एलेन सिक्स माइनस जेड इसमें ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आपके पास आ गया और ये आपके पास चेंज हो गया लॉग साइन एलेन सिक्स माइनस जेड आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, ये सीधे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर फाइनली, वन बाय टू ऑफ ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर एलेन थ्री माइनस एलेन टू। सो आंसर हो गया वन बाय फोर एलेन थ्री बाय टू, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, इसको और सिंप्लीफाई कर दे, ये क्वेश्चन आया था जी 2015 में, तो देखते क्या है। एक्स स्क्वायर को आपकी मर्जी हटा दो आप टू यहाँ ले आओगे तो यहाँ मोड ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ से हटा लो टू मोड ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ से ठीक करो इसे ये हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसे क्या करोगे टू यहाँ लगा दो ये मोडलस आ गया दिस वन। अब जो चीज चेक करोगे आप, अब यहाँ चेक करोगे ये टू ये टू ये टू कैंसिल, अब टू प्लस फोर सिक्स हुआ, यहाँ से जब एक्स को चेंज करोगे आप सिक्स माइनस एक्स में ये यहाँ चेंज हो गया और ये यहाँ चेंज हो गया, ये लॉग एक्स है तो ये लॉग सिक्स माइनस एक्स हो गया, तो फाइनल इज वन हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर फोर माइनस टू टू, ये आंसर हो गया दिस फाइनल आंसर इज वन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का भाई है, या क्वेश्चन हो तो टेन प्लस फोर कितना फोर्टीन, इसे ठीक करें आप, इसे काट दें, इसे काट के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मोड ऑफ फोर्टीन माइनस एक्स दिस वन सही है। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से चेंज सब में पावर मोडलस लगा हुआ है, एक्स को चेंज करना है 14 माइनस एक्स से, देखो तो क्या हो गया ए प्लस बी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, चेंज किया आपने ये कन्वर्ट हो गया इसमें और ये कन्वर्ट इसमें आ गया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया आपके पास। अब न्यूमरेटर में क्या टेन चेंज हुआ टू टू द पावर मोड ऑफ 14 माइनस एक्स, सो फाइनल आंसर इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, तो 10 माइनस फोर सिक्स हो गया पर सिक्स आंसर हो गया थ्री सही है। अब इसकी बात करें, अभी जो प्रीवियसली क्वेश्चन हमने ये बनाया था इसी क्वेश्चन का लगता है भाई, तो यहाँ एक काम करें पहले तो एक हटा दो आप, सबसे पहले एक हटा दोगे तो प्रॉपर्टी फोर लगा दो, ये हो गया पाई माइनस एक्स ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स ई का पावर कॉस स्क्वायर एक्स दिस वन एंड जीरो टू पाई। अब क्या करने का, अब इसको ऐड किया आपने, ये हमारे पास पार्ट था फर्स्ट, ये था सेकंड, दोनों आपने ऐड किया, ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ आई, ट्वाइस ऑफ आई ये पाई बाहर निकाल लीजिए इसका, ये हो गया ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स ई का पावर कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। लिमिट क्या है, लिमिट है आपका जीरो टू पाई। अब एक रात देखें चीज है यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन तो है, इससे पीरियड की बात कर देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ देखते क्या है, ये हमारे पास पावर टू से सिमेट्रिक है ग्राफ, जितना लेफ्ट में आपका पावर टू से उतना ही राइट में, कॉस की बात भी करोगे तो कॉस हमारे पास क्या हुआ ग्राफ ये बन गया, ये पावर टू है तो जितना आपका पावर टू से पहले है वही एरिया पावर टू के बाद भी है, तो दोनों ही पावर टू से सिमेट्रिक हो गया। अब इसे ठीक करें आप, यहाँ हो गया टू आई, ये अपने पास क्या हो गया पाई है, यहाँ जीरो से पावर टू करोगे तो बाहर टू आ गया, ये हो गया ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड ई का पावर कॉस स्क्वायर एक्स दिस वन। अब यहां से टू टू कैंसिल, अब आई अपने पास हो गया पाई। अब जहां देखो तो ये प्रॉपर्टी फोर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वो फर्स्ट की जैसा हो गया ये। अब पावर टू से चेंज करोगे तो साइन कॉस में कॉस वाला साइन में यहां भी आ गया ई का पावर कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू हो गया हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, ये क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय टू, आंसर आपके पास हो गया पाई स्क्वायर बाय फोर, इट्स योर आंसर।
आजकल एक नया पैटर्न चल पड़ा, नया पैटर्न क्या चल पड़ा, क्वेश्चन में बाय द वे आपस दिया रहेगा इफ आई बराबर दिस, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन रहेगा बाय द वे निकालना आपके पास रहेगा क्या, ऑल्सो बॉक्स ऑफ आई का वैल्यू बता, इसका वैल्यू क्या होगी। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे पाई स्क्वायर बाय फोर, पाई स्क्वायर का टेंटेटिव वैल्यू कितना होता है 9.99 के हम लोग लिखते हैं या 9.8 समथिंग लिखते हैं, तो ये 10 के आसपास यहां 4 है, ये होगा अपने पास 9.88 समथिंग, ऐसे लिखेंगे आप बाय 4 है, ये अपने पास 2 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव का बॉक्स वैल्यू कितना 2। तो ये ओल्ड फैशन हो गया, ये पहले का फैशन क्वेश्चन हो गया। आजकल जो पिछले 3-4 साल से मैं जो देख रहा हूं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में, डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं इसका डेसिमल वैल्यूज तक बताओ, तो आप बॉक्स लगा देगा, बॉक्स ऑफ आई क्या हो गया, बॉक्स बताओ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आई क्या हो गया, तो कैरेक्टर वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, तो पाई स्क्वायर ऑफ 4, इट इज 2 पॉजिटिव, सो फाइनली आंसर इज 2। सो ओके माय डियर, इट्स ओके नाउ, इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।